एनटीपीसी ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक लोकप्रिय नेता, प्रखर वक्ता, कवि, हृदय, श्रेष्ठ पत्रकार, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यस्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को पार्टी के पदाधिकारी एवं नागरिकों ने सुना। अटल बिहारी जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। अटल बिहारी जी के विचारों में एक ऊर्जा थी। पार्टी के वक्ता पूर्व विधायक साधना स्थापक घनश्याम सिंह राजपूत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नवनीत चाचा, भाजपा के लोकप्रिय नेता गौतम सिंह पटेल, गाडरवारा नगर पालिका के अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा एवं अन्य लोगों ने अटल जी के कार्यों को याद करते हुए अपने अपने भाषण में समाहित किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने अटल जी के जन्मोत्सव पर कहा, बहुत जल्दी गाडरवारा नगर में अटल नगर नाम से गरीब जनता को मकान बनवा कर अटल नगर बनाएंगे। एनटीपीसी ऑडिटोरियम महिलाओं से, युवाओं से, पार्टी के पार्षद एवं कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्य योजनाओं का भी सभी ने जानकारी दी। यह कार्यक्रम विवेकानंद वार्ड में आयोजित किया गया था। विवेकानंद के पार्षद आरती कमलेश विश्वकर्मा ने सभी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती का कार्यक्रम भाजपा मंडल एवं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित किया गया। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के श्याम वैष्णव के सफल कार्यक्रम पर सभी ने प्रशंसा की। लगभग काम खत्म कर दिया है। आज हम विवेकानंद की बाढ़ की बात कर रहे हैं, वो आज के पास 7 साल, मगर मेरे हिसाब से आज की तरीके 50-60% मकान को बन चुके हैं और जो भी नहीं बने, तो इस बार आपने जो नगर पालिका में सरकार बनाई है, इस कार्यकाल में हर आदमी के घर पक्का मकान होगा। नगर पालिका के अध्यक्ष हो, हम तारीफ नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति बता रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कार्यकाल से खुश हैं। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, आपका स्नेह हम सबको प्रेरणा देता है कि जनता की सेवा करने में ही पार्टी की भलाई है। और अगर वो मन में ईमानदारी हो तो देख लो क्यों मिलता है, हर पक्का मकान आदमी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बनाता है और जीवन भर के लिए एक अच्छी व्यवस्था देते जाता है। आज जिनकी जन्म जयंती है उनसे हमको बहुत सीखने मिलता है। उनकी अगर एक आध बात भी अपन ने अपने जीवन में उतारी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। राजनीति तो कार्य की कोठरी है, इसमें से साफ स्वच्छ कोई नहीं निकल पाता, मगर हम जिनके कारण आज इकट्ठे हुए हैं उनसे ही हमको सीखने मिलता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में लगाया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित क्षेत्र के पूर्व विधायक, जिला संयोजक भाई राजेश मोहन शर्मा जी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नगर के संयोजक हमारे सम्मानीय नेता भाई श्याम वैष्णव जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भाई रितेश राय जी, बहन आरती विश्वकर्मा जी, हमारे सम्मानित नेता
बात है, तो उनकी पुण्याई का लाभ इस पीढ़ी को मिल रहा है जिन्होंने विश्व में भारत का नाम रोशन किया। ऐसे सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कभी हृदय होने के साथ साथ नीति निर्देशक, बड़े नए भारत का निर्माण करने वाले नेता थे। योजना प्रधानमंत्री सड़क, जिससे पूरे भारत के गांव शहरों से जुड़ गए, एक योजना में पूरे देश में क्रांति आ गई। ऐसे सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे, ये हम सबके लिए बड़े गौरव की और फख्र की बात है। उन्हीं के अनुसरण पर चलने वाले हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया, जिन्होंने वास्तविकता में आप माताओं बहनों की, मध्यम वर्ग गरीब वर्ग की चिंता की, ऐसे आपके हमारे जिलों में बसने वाले लाडले प्रधानमंत्री जी, चाहे आपकी मदद उज्ज्वला गैस के रूप में करी हो, चाहे आपके घरों में लैट्रिन बनवाने का काम किया हो, और आज हम सब लोगों को उनकी जयंती मनाने में खुशी है, क्योंकि अटल सिद्धांत, अटल कर्तव्य के पथ पर चलना, अटल वाक्य के विन्यास वाले, कविता मणि उनका हृदय और दूरगामी सोच के थे। अटल जी जो कि हमें बहुत सारी प्रेरणाएं देती है, हमें लिए वो संकल्प लेना होगा कि हम उनके बनाए प्रेरणा के मार्ग पर चले, क्योंकि देश के लिए समर्पित होना बहुत कठिन बात है। हम एक दो घंटे भी नहीं दे पाते अपन कहें देश के लिए दे रहे, तो घर के काम याद आने लगे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उनको हम आदर्श भी बनाएं और प्रेरणा स्वरूप की बात करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज अपने मन की बात आ, और मैं समझती हूँ मन की बात में हमारी मातृशक्ति ज़्यादा उपस्थित है। मैं मातृशक्ति से एक बात कहना चाहूँगी कि अपन रोज बहुत सारी बातें करते हैं, बस 5 बजे तक हम चुप रहे, अपनी बात गंभीरता से सुन, क्योंकि उनकी योजनाओं में कहीं ना कहीं आप सब, आपको पानी मिल जाए, आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की सोच में आप सब, तो अगर उनके सोच में हमें, तो हमको भी उनके प्रति सोच कुछ अच्छा रखना चाहिए। निश्चित बात है, जैसा कि गौतम जी ने कहा, राजू मिश्रा जी ने कहा कि हर हर परिवार को पक्का मिले, हर परिवार का घर बने, और वैसे बहुत बड़ा प्रतिशत बन गया है, लेकिन अगर कुछ रह गया है तो आप सबको भी मिले। ये हमारे पार्षद बहुत अहम भूमिका होगी कि उन सबका नाम और सबकी जो भी फाइल वाली प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं, क्योंकि कई परिवार ऐसे हो गए, एक परिवार में बच्चा भी परिवार का। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।